सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है, संतो संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। संतों को संबोधित करते हैं सद्गुरु कबीर और एक संदेश देते हैं, यदि सुख पाना चाहते हो और परम सुख पाना चाहते हो, शाश्वत सुख पाना चाहते हो, तो उसका एक रास्ता है संतोष। संतो संतोष सुख है, आगे क्या कहते हैं, रहो तो हृदय जुड़ाए। यदि संतोष में रह गए ना, संतोष धारण कर लिए, तो हृदय जुड़ा जाएगा, जुड़ाना शीतल हो जाना। यह कहकर सद्गुरु कबीर एक बात यह भी कह देते हैं कि हृदय जल रहा है, तपित है, उद्विग्न है, आग से जल रहे हो, और कोई दूसरा नहीं है जो ये आग कोई लगा दिया हो, जला दिया हो, ये भी बताते हैं सद्गुरु कबीर। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, जगत के लोग अपनी अपनी आग से जल रहे हैं, हम सभी अपने भीतर आग लगाए हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आके लगा दिया हो, नहीं, हम ही लगाए हैं, हमने ही अपने जीवन में विकारों को इकट्ठा किया है, उद्वेगों को इकट्ठा किया है, और उसी से हम स्वयं तपित हैं। सद्गुरु कहते हैं यदि संतोष धारण कर लोगे तो हृदय जुड़ा जाएगा। क्या है संतोष? संतोष के संबंध में तो चर्चा बहुत होती है, ये पंक्ति तो हम लोग न जाने कितनी बार सुने, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थ है जो बाह्य धन को पाने के लिए भटक रहे हो, उसके लिए जो बेताबी है, उसको पाने के लिए जो मन में ललक है, तृष्णा है, वासना है, ये कब मिटने वाली है? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये जो धन आप मार रहे हैं ना, वो सब लगेगा जैसे धूल है। तो उस धन को पाओ जिससे हृदय शीतल हो। ऐसे धन पा गए जो हमें तकलीफ दे, क्या अर्थ निकलता है? ये पंक्ति हम लोग पहले भी सुने हैं, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। वो धन कौन सा है? पवित्र संस्कारों का धन, वो साथ चलता है। संतोष का अर्थ है जो है उसका उत्सव मनाना। असंतोष है जो नहीं है, उसके लिए मन में वासना तृष्णा पाने की ललक और बेताबी हो, यही असंतोष है। और यह भी हम ध्यान दें कि जो नहीं है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यदि हम उसे पाने के लिए, उसे पाकर संतुष्ट होना चाहेंगे, तो जीवन न जाने कितने जीवन बीत जाएंगे और हम उसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे।
और जब नहीं पाएंगे तो क्या होगा? जीवन में दुख और अशांति और शिकायत बना ही रहेगा। लेकिन जो हमारे पास है, यदि उसी के बारे में हम समझने लग जाएं, उसके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करने लग जाएं, तो फिर मन में असंतोष नहीं रहेगा। कितना बढ़िया शरीर मिला है, जीवन मिला है, कल्याणदायी, क्या इस जीवन को हमने खरीदा है कहीं जाकर के? क्या इसे हम पैसे देकर खरीद सकते हैं? जो हमें प्राप्त है इस प्रकृति द्वारा, क्या कभी इसके प्रति हमने धन्यवाद ज्ञापित किया है? आंखें हैं, देखो तो सही, इन आंखों से रात में हम तारे देखते हैं, दिन में सुंदर दृश्य देखते हैं, लोगों को देखते हैं। कितनी अच्छी आंखें जो हम देख पा रहे हैं, वो है हमारे पास में है, उसके बारे में महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हृदय है, धड़कता है, जिंदा है। शरीर के अंग प्रत्यंग पर जब सोचने लग जाएंगे तो लगेगा इतना मिला है मुझे। जो है उस पर ध्यान दिया जाए तो संतोष बढ़ता चला जाएगा, और जो नहीं है वहां फोकस किए, उसे पाने की वासना जगी, तो असंतोष बढ़ता चला जाएगा, असंतोष बढ़ता चला जाएगा। एक बाइबिल में वाक्य है, न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह का वचन है, जिनके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे जो उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। उलटवासी, ये कोई न्याय की बात हुई? क्या कह रहे हैं? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो जो उसके पास है उसे भी ले लिया जाएगा। यह अद्भुत बात है, ये तो सर्वथा न्याय वाली बात है। लेकिन जीवन का नियम ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या कहना चाहते हैं? जिसके पास संतोष है, जिसके पास कृतज्ञता है, उसमें पाने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, उसे वो एक दरवाजा खोल देता है, पूर्णता। अकेले में बैठें कभी भी और आंखें बंद करके बैठें तो क्या हो? पूर्णता महसूस हो, ऐसा लगे जैसे कोई कमी है ही नहीं, पूर्ण, सब कुछ है, भोजन है, कपड़े है, रहने की जगह है, आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब कुछ। ऐसा जो पूर्णता महसूस करे ना, और जो है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करे, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। हाय, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ये नहीं है, और है तो जो नहीं है उसके लिए हम शिकायत कर रहे हैं। ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, न जाने कितनी बार हम लोग कहे और सुने हैं। एक आदमी कहीं जा रहा था, आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, जमीन गर्म थी, नंगे पैर चल रहा था, बार बार कहता, या खुदा तूने सबको अच्छे अच्छे जूते दिए पहनने के लिए, मुझे जूते नहीं दिए, क्या कमी हो जाती है आपको यदि एक जूता, एक जोड़ी जूता दे देता तो? ना अच्छा सही, सामान्य वाला दे देते।
उसके मन में शिकायत शिकायत, जूता नहीं है जूता नहीं है। आगे गया, एक पेड़ के पास देखा, एक आदमी ऐसा बैठा है जिसके दोनों पैर नहीं हैं। अब क्या हुआ, क्या कहा, या खुदा आपकी क्या शुक्रिया अदा करूं, मेरे पैर तो सलामत हैं, भले जूते नहीं दिए, इनके तो पैर ही नहीं हैं। मेरे पास जूते न होने के लेकर के मैं इतने समय तब तक दुखी रहा जब तक उस आदमी को न देख लिया जिसके दोनों पैर नहीं थे। जो नहीं है उसे पाने के लिए आप ऐसा नहीं कि मेहनत ना करें। अब संतोष का अर्थ क्या है? संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप इसके बाद पूरी तरह से काम धाम बंद कर दीजिए, सारे क्रियाकलाप बंद कर दीजिए और कुछ ना करिए, यह संतोष का अर्थ नहीं है। यह संतोष का अर्थ नहीं है। संतोष का अर्थ यह है कि पहले जो है उसमें संतुष्ट हो, तो वो जो संतुष्टि हो होगी वह जो नहीं है उसको भी पाने के लिए आकर्षित करेगा, वह भी उसका दरवाजा खोलेगा। पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, लोग कहते हैं संतोष कर लेंगे, विकास कैसे होगा, कैसे विकास होगा, तो क्या असंतोष से विकास होता है? असंतोष से यदि विकास होता तो दुनिया के तो सब लोग असंतुष्ट हैं, कहाँ विकास कर लिए हैं। असंतोष से नहीं होता है, परिश्रम से होता है। लेकिन उसके पहले आप सही ढंग से परिश्रम भी तब कर पाएंगे जब जो प्राप्त है उसमें खुश रहना शुरू करें। दुखी और अशांत मन से कोई काम को करेंगे उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए पहले जो है उसके प्रति संतोष हो, जो है उसके प्रति संतोष हो। और जब ये चीज आ जाएगी, जो है उसके प्रति जब हम जानेंगे, तब संतोष का अर्थ है संन्यास। यहाँ पर संतों के लिए संबोधित है, संतोष संतोष सुख है, संतो संतोष संतों के लिए कहते हैं, संतों साधक सन्यासी भिक्षु जो भी कह लीजिए। इसका अर्थ है हम जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट है। भिक्षु है ना, हम सन्यासी है ना, हम साधक हैं, हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है दूसरों से। भिक्षु वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, दे दिया धन्यवाद, नहीं दिया धन्यवाद, सबके प्रति उनके मन में धन्यवाद होता है, मिला धन्यवाद, नहीं मिला धन्यवाद। ये जब भाव आएगा, ये जब, तो संतोषी और सन्यासी एक प्रकार से पर्यायवाची ही हैं, संतोष और सन्यास। इसका अर्थ यह भी है कि यह समझें कि जो मुझे प्राप्त है वह मेरी योग्यता से भी ज़्यादा है। मेरी क्या योग्यता है कि मुझे इतना बड़ा भवन मिले, मैंने क्या किया है बताइए, इतने सुंदर मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहा हूँ, मेरी इतनी योग्यता नहीं है, फिर भी मुझे मिल रहा है, इतना अच्छा भोजन कर रहा हूँ, मेरी भी क्या काबिलियत है। अर्थात जो भी प्राप्त है वो मेरी योग्यता से भी अधिक है, मुझे इतना मिला है जिसके मैं योग्य नहीं हूं। ये भाव जिस दिन आएगा क्या लगेगा, मन में शिकायत रहेगा किसी भी क्षेत्र में, किसी ने कुछ कटु कहा, संतोष शान। कितनी अच्छी बात साहब कहते हैं, रहो तो हृदय जुड़ा है, हृदय शीतल हो जाएगा, उद्विग्न हृदय, अशांत हृदय, जलता हुआ हृदय कैसा लगता है हम लोगों को। ये एक प्रकार से अपने जीवन का ध्येय बनाना है, ध्येय तो है, कैसे मैं शांत हूं,
कैसे उद्वेग रहित हूँ, मेरे मन में पूर्णता कैसे महसूस हो, संतुष्टि कैसे हो। संतोष का जिस दिन स्वाद मिल गया ना, हम सब यदि उसका स्वाद ले लिए, उस दिन लगेगा और सारे स्वाद फीके हैं। एक अमीर आदमी था, लोगों के वो हलवा बांट रहा था, ढेर सारा हलवा बनवाया था। जैसे अन्न क्षेत्र चलाते हैं वैसे ही, या आजकल जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जो यात्री जाते हैं उनको लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही एक गांव में वो हलवा बंटवा रहा था। तो सब लोग जाकर के हलवा ले रहे थे। एक आदमी दूर कहीं था, अलग खेत में काम कर रहा था। किसी ने कहा, अरे हलवा बट रहा है वहाँ, तुम गए नहीं? अब वो हलवा का बड़ा प्रेमी आदमी था, उसने कहा हलवा बट रहा है, सारा काम छोड़ा दौड़ा, हलवा बट रहा है, हलवा बट रहा है। और जब दौड़ा गया, जब तक पहुँचा तब तक हलवा ख़त्म। अब वो परेशान, क्या हो गया उसके मन में, हमको हलवा नहीं मिला, हमको हलवा नहीं मिला। बहुत दुखी, बहुत अशांत, ऐसा लगा जैसे रो डालेगा। अंतिम में जिस व्यक्ति को हलवा मिला था वो खाना शुरू नहीं किया था। ये जो नया आया था आदमी, जो हलवा के लिए बहुत बेताब था और नहीं मिला था, स्वाभाविक है नहीं मिलने पर हो सकता है, और जहाँ ललक ज़्यादा हो वहाँ पर तो और स्थिति दयनीय हो जाती है, तो वो दुखी था। यह आदमी हलवा हाथ में रखा था और देखा उसके दुख को, उन्होंने कहा सुनो ये हलवा आप खा लो। क्या कहा? ये हलवा आप रख लीजिए, ठीक है आप खा लीजिए, आप रख लीजिए। उन्होंने कहा अपना नहीं खा रहा है और मुझे दे रहा है। तुमने क्या, आप क्या खाएंगे? हलवा आप मुझे दे दिए, आप क्या खाएंगे? उसने क्या कहा? मैं संतोष खा लूँगा। क्या कहा? मैं संतोष खा लूँगा। अच्छा, संतोष में संतोष कैसा लगता है, संतोष कैसे लगता है? तब उस आदमी ने कहा संतोष हलवा से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है, हलवा से भी ज़्यादा पौष्टिक है। अच्छा, हलवा से भी ज़्यादा संतोष पौष्टिक है, हलवा से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। उस आदमी ने कहा अच्छा, तो मैं भी हलवा नहीं खाऊंगा, मैं भी संतोष खाऊंगा। हलवा से भी ज़्यादा पुष्टिकारक है, हलवा से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है, क्या? संतोष। सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं? संतोष संतोष सुख है, महासुख है, महासुख है। कुछ प्राणे की तृष्णा वो हमें जलाती है। और सद्गुरु पूरा साहेब जी ने कहा है ना, निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषों विशेष चाहे हो अन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्रपद इंद्रपहर चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन यह तृष्णा की रीत। ये ऐसी लपट है जो बुझती नहीं है, और जितनी असंतुष्टि रहेगी जानो हम उस ईंधन में, और भी उस आग की लपट में ईंधन डाल रहे हैं। देना बंद कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहना है अकेले बैठ करके? मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जिस समय ये स्थिति मन की बनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जानते हैं फिर उस समय क्या हुआ? उस समय आप सामान्य व्यक्ति नहीं रह गए। फिर ये दशा मन में लाके तो देखें कि हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या होगा? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, परवाह ही नहीं कर रहा है, मिलेगा देखा जाएगा, जो होगा होगा। प्रारब्ध जैसी कोई चीज है, विश्वास करो वो होने वाला है, काम करो जिस काम को करना है। और मैंने बीच में कहा था
संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप जो अभी तक कर रहे हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दें। हाथ पैर मारते रहिए, कार्य करते रहिए, लेकिन पहला काम क्या है, जो है उसके प्रति संतोष, और जो नहीं है फिर उसके लिए प्रयत्न। ऐसा नहीं कि काम बंद कर देना है, लेकिन असंतुष्ट हो करके करेंगे तो काम में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए पहले जो है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें, और मैंने ये भी कहा, यह भी सोचें कि जो मुझे प्राप्त है मेरी योग्यता से ज़्यादा मिला है, मुझे बहुत है बहुत है। ये जिस दिन भाव मन में आएगा उसी समय के लिए साहब कहते हैं संतोष संतोष सुख है, रहो इस अवस्था में, रह जाओगे इस स्थिति में, जब स्थित हो जाओगे तब हृदय जुड़ा जाएगा, इसके पहले नहीं जुड़ाने वाला है। वहाँ तो आग लगी, तृष्णा की आग, वासना की आग, कामनाओं की आग, बहुत पद प्रतिष्ठा, अब इसकी कहाँ तक व्याख्या करें, पद प्रतिष्ठा कामना ये वो, उफ कितने लोगों को शिकायत करते, कितने से दुश्मनी लेते रहोगे। शांत हो जाओ, बस संतोष कर लो, ठीक है कह दो, पीठ को मजबूत बना लो, पीठ को मजबूत बना लो, पढ़ने दो, ठीक है। अब वो आएंगे, ये घात प्रतिघात आने ही वाले हैं। आप क्या समझते हैं मैं बिल्कुल सही हूँ, सुरक्षित हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ? यहाँ आप सही सलामत हो तो भी कोरोना के लिए क्वारंटाइन करना पड़ता है 14 दिन का। आप बिल्कुल सही हैं तो भी आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। ऐसा नहीं है, गालिब ने क्या कहा, गालिब बुरा मत मान, दुनिया चाहे जो कहे। ऐसा भी दुनिया में कौन है जिन्हें सब अच्छा कहें, कौन है जो सब अच्छा कहे, कोई है ऐसा कोई आदमी? एक उंगली में दिखा दो उंगली से, क्योंकि अमुक आदमी है जिसको सब अच्छा कहते हैं, हो ही नहीं सकता है। संतोष शांत, ठीक है ठीक है। और जहाँ लड़ने चले, जहाँ द्वंद में उलझे, असंतोष की भट्टी शुरू, असंतोष की भट्टी शुरू, हृदय को शीतल करने का प्रयास करें। सही सिद्ध अपने को मत सही सिद्ध करो, मैं सही हूँ इसको सिद्ध करो, गए फिर आप ही गए गवाहर आए, वो गए, सिद्ध मत करो, शांत रहना ये प्रथम कर्तव्य है। तो सद्गुरु कबीर की पंक्ति हम सब साधक के लिए विशेष रूप से है, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। बोले सद्गुरुदेव की जय।